दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए, 2,000 रुपए की किस्त में देती है, उसके लिए दोस्तों फिर से रजिस्ट्रेशन को चालू कर दिया गया है। यहां तक कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए नए पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस नए पोर्टल से नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी दोस्तों जाके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो आधिकारिक वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो वेबसाइट का पूरा जो इंटरफेस है वो बदल चुका है, एकदम नए पोर्टल जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे आप एक नए किसान का पंजीकरण करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप रूरल फार्मर का करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन या फिर अर्बन फार्मर का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल दोस्तों हम करने वाले हैं रूरल का, तो इस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सभी स्टेट मिल जाता है, आप देख सकते हैं कोई भी स्टेट यहाँ पर मिसिंग नहीं है। तो जिस भी स्टेट में आपका जमीन है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, उसे सेलेक्ट करना है। कैप्चा कोड को दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी करते हैं, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसे यहाँ पर डालना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, अब आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा ना उस पर एक ओटीपी जाएगा, समझिए दोबारा से एक ओटीपी जाएगा, जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर, वह ओटीपी दोस्तों आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों आपको वेरीफाई आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप आधार ओटीपी को वेरीफाई करते हैं, आपके आधार कार्ड से आपकी काफी सारी जो डिटेल है वो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाता है। अब जो जो डिटेल मेंशन नहीं है, मिसिंग है, उसे आपको फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर सभी डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है आपके स्टेट का, सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपको अपना ब्लॉक भी सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों यहां पर आपको अपना विलेज सेलेक्ट करना है, जो भी आपके गांव का नाम है उसे आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां पर कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, आप जनरल में आते हैं, एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, वो आपको यहां पर चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर फार्मर टाइप दिया गया है, जिसमें दोस्तों आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको ये स्मॉल वाला जो दिया गया है इसे आपको चूज करना है। अभी इन्हीं लोगों को लाभ मिल रहा है, ये सेलेक्ट करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपसे मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको आईडी एंटर करना है। अगर आपको आईडी नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, भूलेख वाली वेबसाइट को ओपन कर लीजिए अपने स्टेट वाले का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका तहसील है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। फिर आपको अपने ग्राम को चुन लेना होगा, यहां पर आप देख लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, अब यहां पर दोस्तों आपको जो गाटा संख्या है ना उसे यहां पर टाइप करना है, इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। फिर खोजे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, इसे दोस्तों आपको कॉपी कर लेना है, इसे ही दोस्तों आपको वहां पर एंटर करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे कॉपी कर लीजिए और इसे दोस्तों आपको वहां पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपना राशन कार्ड नंबर एंटर करना है, जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जाता है मानधन योजना के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपली करना क्या है, नो का जो ऑप्शन दिया गया है इसे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपसे ओनरशिप टाइप पूछा जाता है कि जो लैंड का ओनर है वो आप सिंगल है या फिर डबल, यानी कि ज्वाइंट है, किसी और कोई और भी उसका ओनर है, वो आपको यहां पर बताना है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको सिंगल पे सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहां पर दोस्तों आपको जो लैंड की डिटेल है, जमीन की डिटेल है, उसे एंटर करना है, जिसमें सबसे पहले यहां पर आपसे पूछा जाता है खाता नंबर, सर्वे खाता नंबर, तो इसे आपको यहां पर एंटर करना है। यह दोस्तों आपके खतौनी पर होता है, तो वहां से आपको ले लेना है और उसे यहां पर एंटर करना है। फिर यहां पर खसरा नंबर आपसे पूछा जाता है, तो यहां पर दोस्तों आपको यह भी एंटर करना है, यह भी आपके खतौनी पर होता है,
उसे यहाँ पर आपको पूरा सही सही मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एरिया पूछा जाता है, यह भी दोस्तों आपके खतौनी पर आप देखेंगे रेड कलर में होता है, तो उसे भी आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। कोई भी यहाँ पर मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है यह जो जमीन है यह आपके नाम पर कब ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक डेट दिया गया है, अगर इस डेट के पहले हुआ है तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर इस डेट के बाद हुआ है तो आपको आफ्टर वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो हमारा इस डेट से पहले हुआ है तो हम बिफोर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, इस प्रकार से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल आपसे मांगी जाती है कि यह जमीन आपके नाम पर कैसे हुआ है। यहाँ पर कई ऑप्शन दिया गया है कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया है या फिर आपने खुद उसे परचेस किया है या फिर किसी का डेथ हो गया है जिसकी वजह से वह जमीन आपके नाम पर आई है। इस हिसाब से आपको जो भी आपके केस में आता है उसे आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके जो जमीन की डिटेल है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है, अब यहाँ पर आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंड का जो पेपर है उसका आपको यहाँ पर एक फोटो अपलोड करना होगा। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों आधार कार्ड, जो आपने आधार नंबर दिया है वही वाला आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सब कुछ होने के बाद आपको बस सेव के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव करते हैं आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब आपको वेट कर लेना है, आपके फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा एंड उसके बाद आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर सीएससी फार्मर का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और ये जो कैप्चा कोड है दोस्तों आपको इसे यहाँ पर टाइप करना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं कि ये पेंडिंग में है, सक्सेस हो गया है, जो भी है वो सब आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2023 में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।